हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निकुंज ट्रैवलॉजी। आज हम जा रहे हैं सोनगढ़ फॉल। सोनगढ़ का जो किला है वहाँ पे हम जाएंगे। और सुबह हम बहुत ही जल्दी निकल गए थे क्योंकि दो तीन दिन से बहुत ही गर्मी है। ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, आज की जो डेट है वो है 6 सितंबर 2020, यानी कि थोड़ा मानसून का अभी सीजन चल रहा है। 2 या 3 डेज से बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, सो इसीलिए हम आज जल्दी निकल गए हैं सोनगढ़ फोर्ट के लिए। और वहाँ पे थोड़ा ट्रैकिंग करना है तो इसी वजह से सुबह सुबह जल्दी निकल गए। और अभी हम पहुँच ही गए हैं सोनगढ़, तो मेरे बैक साइड आप देख सकते हो सोनगढ़ किला। अगर आपको यहाँ से दिख नहीं रहा तो मैं आपको दिखा दूँगा। और चलिए तो फिर अभी जाते हैं ऊपर। ऊपर जाना है हमें, आपको दिख रहा होगा मेरे बैक साइड, तो चलिए अभी जाते हैं ऊपर। हेलो गाइस, तो फाइनली वी रीच एट सोनगढ़ फोर्ट एंड नाउ वी हैव टू ट्रैक फ्रॉम हियर। सो लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माय सिस्टर रुचि भंडारी एंड ध्रुव भंडारी, इसको तो आप पहचानते ही हो। सो चलिए तो अभी यहाँ से हम ट्रैक स्टार्ट करेंगे। आज की जर्नी में मेरी सिस्टर भी आई है और ये ध्रुव भंडारी तो मेरे साथ हमेशा ही रहता है। तो चलिए अभी ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ से और आपको दिखाता हूँ सोनगढ़ फोर्ट। बहुत ही पुराना किला है ये, और उसके बारे में आपको बताऊँगा हिस्ट्री इसकी क्या थी और कौन से यहाँ पे जो राजा थे उन्होंने ये फोर्ट, सभी जो भी हिस्ट्री होगी मैं आपको बताऊँगा थोड़ी देर में। लेकिन पहले हम देखते हैं ट्रैक कैसा है, यहाँ से कैसे जाना है ऊपर, तो हम देखते हैं अभी। चलिए सोनगढ़ किले तक पहुंचने के लिए अगर आपको ट्रैकिंग नहीं करना है तो आप बाइक लेके ऊपर जा सकते हो। वहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटीज़ है। और फिर सोनगढ़ किले तक पहुंचने के लिए आपको पार्किंग से 200 स्टेप चढ़ के जाना पड़ेगा। आपको अगर अच्छे नज़ारे देखने होंगे और लाइफ में सक्सेस होना होगा तो आपको ऐसे रास्तों से गुजरना पड़ेगा जहाँ पे हर कदम पे आपको मुश्किलें होंगी और हर कदम पे आपको हर्ट होगा और हर छोटे मोटे पत्थरों से पे आपको गुजरना पड़ेगा। और आपका दिमाग आपको बार बार बोलेगा कि ऐसे रास्तों पे मत चल, लेकिन आप चल गए तो आपको ऐसे सुंदर नज़ारे और सक्सेस को आप एंजॉय कर पाओगे। सो चलते रहिए, कीप वॉकिंग, डू नॉट स्टॉप एंड कीप वॉकिंग एंड एंजॉय योर लाइफ एंड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ।
अभी हम बात करेंगे सोनगढ़ किले के हिस्ट्री के बारे में। ये जो किला है वो 200 से 300 साल पुराना किला है और मेवासी भीलों को हराकर गायकवाड़ पिलाजीराव गायकवाड़ ने ये जो हिल है सोनगढ़ का उस पर कब्जा किया था और 1729 में ये किले का निर्माण किया था। यानी कि 1729 से 1766 तक ये किले का निर्माण हो रहा था। महाराष्ट्र की जो बॉर्डर है उसकी सुरक्षा के लिए ये किले का निर्माण किया गया था। यहाँ पे आप इस किले पे आओगे तो आपको यहाँ पे एक दरगाह भी दिखेगी और महाकाली माता का मंदिर भी दिखेगा और अंबे माँ का मंदिर भी है यहाँ पे। वो थोड़ा अंदर है लेकिन अभी वो बंद है सब ये मंदिर वगैरह, तो मैं आपको दिखा नहीं सकता। और चलिए, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं देते रहूँगा और वीडियो में बने रहिए। ये है सोनगढ़ का किला जो आपने अभी देखा। और ये जो सोनगढ़ का किला है वो सूरत से 83 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अगर आपको यहाँ पे आना है तो आप सूरत से बारडोली, बारडोली से व्यारा, व्यारा से सोनगढ़ गांव में ये किला है, तो आप यहाँ आ सकते हो इजीली। आप यहाँ पे आ सकते हो, पिकनिक मनाना है तो आप आ सकते हो, वन डे ट्रिप यहाँ पे कर सकते हो। और अगर आपको वीकेंड में भी यहाँ पे आ सकते हो, अच्छी प्लेस है, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे ज़रूर आइए एक बार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बहुत ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने क्लोज़ फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, अपने दूर वाले फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, अपने फैमिली रिलेटिव्स, रिलेटिव के रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपको सोनगढ़ किले की हिस्ट्री को जानना है तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फैलाइए। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। चलिए तो फिर, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।